जी, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमारे पास इंफ्रारेड सैम्पलिंग टेक्निक्स होती हैं। अब जैसे सैम्पल किस समटाइम्स आपके पास सॉलिड होगा, लिक्विड होगा, और फिर वो डिफरेंट नेचर का हो सकता है, ठीक है, पोलैरिटी की बेस पे, और गैसेस भी हो सकती हैं। तो फिर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर में किस तरीके से आपने अपना सैम्पल देना है, तो इसके मैंने आपको स्लाइड शेयर की है। तो सॉलिड्स जो हैं रन इन सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन बना के, एक तो सॉलिड का सॉल्वेंट में डाल के सॉल्यूशन बना के आपको देना पड़ेगा। मल टेक्निक है सबसे ज़्यादा ये यूज़ हो रहा होता है। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक है, पैलेट इसकी बनाई जाती है, नाम से जाहिर है, और गैसेस और लिक्विड्स की भी सैम्पलिंग है। अब सॉलिड्स रन इन सॉल्यूशन में देखते हैं, तो इस आमतौर पे इसे एक नॉन एक्वस इनर्ट सॉल्वेंट में, यानी कि वो खुद कोई रिएक्शन ना करे कंपाउंड के साथ, तो उसके अंदर इसको डिसॉल्व किया जाता है। उसके बाद अल्कली मेटल डिस्क पे रखा जाता है और सॉल्वेंट को ड्राई किया जाता है कि वैपरेट हो, तो थिन फिल्म जो है ना सल्यूट की बन जाती है, जो एज सच नहीं बन रही होती विदाउट मेकिंग सोल्यूशन, स्पेक्ट्रोमीटर में रखा जाता है। अब जो सॉल्वेंट्स यूज होते हैं वो क्लोरोफॉर्म हो सकता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड हो सकता है, एसीटोन साइक्लोहेक्सेन। मल टेक्निक में क्या होता है, इसमें आपका जो सॉलिड कंपाउंड है उसको अच्छी तरह से पीसा जाता है मॉर्टर के अंदर, इवन के फाइन पाउडर आपके पास बन जाता है। अब न्यूजोल लिया जाता है या मिनरल ऑयल लिया जाता है, इसको मलिंग एजेंट भी कहते हैं, उसको मिक्स किया जाता है पाउडर के साथ, ठीक है। कंसिस्टेंसी इसकी थिक होती है, लाइक दैट ऑफ टूथपेस्ट बन जाता है, ठीक है। अब मिक्सचर को फिर ट्रांसफर किया जाता है मल प्लेट्स में, एंड द प्लेट्स आर स्क्वीज टुगेदर टू एडजस्ट द थिकनेस ऑफ द सैंपल बिटवीन इंफ्रारेड ट्रांसमिटिंग विंडोज, ठीक है। और जो मिनरल ऑयल है उसकी अपनी भी पीक्स आती हैं, उसको फिर आपने नलीफाई करना होता है। प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में आपको पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ, देखें 300 है उसकी रेशियो, 300:1 की, प्लस आपने ड्रग लेना है, तो उसके साथ आपने पैलेट बनानी है, प्रेस किया जाता है, ठीक है, प्रेस्ड पैलेट टेक्निक में हाई प्रेशर पे। और फिर जो है इसको स्मॉल पैलेट बनाई जाती है 1 to 2 mm थिकनेस की, 1 cm इन डायमीटर, इसको फिर इंट्रोड्यूस किया जाता है। और फिर इसका इफेक्ट पोटेशियम ब्रोमाइड का हटाने के लिए ना एक ब्लैंक पोटेशियम ब्रोमाइड आइडेंटिकल थिकनेस की भी पैलेट बनाई जाती है, रेफरेंस बीम डाली जाती है, रेफरेंस बीम की एब्जॉर्प्शन को नलीफाई किया जाएगा आपकी सैम्पल की एब्जॉर्प्शन से। सैम्पलिंग फॉर गैसेज है फिर, स्मॉल साइज पार्टिकल्स हैं, द सेल्स आर लार्ज, 10 cm to 1 m लॉन्ग, ठीक है, बड़े सेल्स लिए जाते हैं इसके लिए। और जो है पाथ लेंथ इसका 40 cm तक लंबा किया जाता है, गैसेस का थोड़ी सेंसिटिविटी कम होती है। लिक्विड्स के लिए आपने सेल्स लेने हैं रेक्टेंगुलर शेप के, पोटेशियम ब्रोमाइड के बने होते हैं या सोडियम क्लोराइड के, ठीक है। ट्रांसमिटेंस उसकी 15 to 20% है, थिकनेस, सैंपल थिकनेस। दिस वाज ऑल अबाउट डिफरेंट सैंपलिंग टेक्निक्स यूज्ड इन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी।